नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी पब्लिकेशन की किताब से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। वार्षिक काम और ये आपका फरवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक का करेंट अफेयर्स है। ठीक है, ये आपका फ्रंट पेज है उस किताब का, तो आप लोग जाके कोई भी किताब शॉप से, बुक शॉप से जाके ले सकते हैं। ठीक है, किताब दुकान से आपको मिल जाएगा और किताब को पढ़िए और यहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में आपका कहाँ आयोजन हुआ था, कौन जीता, कौन हारा, ठीक है, इसके बारे में जो भी फैक्ट्स है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 तो आयोजन आपका हुआ था UAE और ओमान में। आयोजन UAE और ओमान में 13-17 अक्टूबर से लेकर 14 नवम्बर 2021 तक फाइनल मैच आपका जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया था जो कि 8 विकेट से मैच जीत गया था। और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन थे, टॉरेन एरोन फिच थे। ठीक है, तो एरोन फिच थे। तो ये आपका T20 वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट के क्षेत्र में जो है आपका खेला जाता है। T20 जो आपका T20 मैच 20 ओवरों का मैच होता है, जो कि आपका बहुत ही प्रसिद्ध गेम आज के दौर का हो चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय में ये गेम समाप्त हो जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा है इसका जो है दर्शक इसको देखने आते हैं, अच्छे दर्शक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच, उप विजेता न्यूजीलैंड, उप विजेता आपके न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के कप्तान केल विलियमसन थे। न्यूजीलैंड के कप्तान केल विलियमसन थे। कुल देश सोलह देश थे। कुल देश आपके इसमें जो T20 वर्ल्ड कप जो था जिसमें भाग ले रहे थे उसमें टोटल 16 देशों ने भाग लिया था, और कुल 45 मैच इसमें हुए थे। ठीक है, और सर्वाधिक रन, तो सर्वाधिक रन T20 वर्ल्ड कप 2021 में किसने बनाया था, तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो वानिंदु हरसंगा। ठीक है, वानिंदु हरसंगा ने जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकेट लिया था, ये वो आपके श्रीलंका के खिलाड़ी थे। और सबसे ज़्यादा रन जो है बाबर आजम ने बनाया था, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। फाइनल मैच में जो आपका T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था उसमें है आपके मिशेल मार्च जो है ऑस्ट्रेलिया के, वो आपके मैन मैन ऑफ द मैच रहे थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है किसको मिला था, तो डेविड वार्नर को मिला। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ठीक है, एकमात्र शतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो T20 वर्ल्ड कप में जो इस बार 2021 का एकमात्र शतक जो लगाया था वो था जॉस बटलर, जिन्होंने 101 रन बनाया, वो आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2007 में। और पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता कौन था, आपका भारत था, और उपविजेता पाकिस्तान था। ठीक है, तो पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका जो विजेता कौन था, तो आपका इंडिया ही थी, भारत थी। और इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 2007 में। और वर्ष वर्ष 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत है। और T20 वर्ल्ड कप जो है इसी साल आपका फिर से दोबारा होगा ऑस्ट्रेलिया में 2022 में होगा। ठीक है, तो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता भारत था, और उप विजेता जो कौन था, आपका पाकिस्तान था। और वर्ष 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत। T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। ठीक है, तो एक बार देखेंगे दोबारा, तो T20 वर्ल्ड कप 2021 आयोजन हुआ था आपका UAE और ओमान में। तो यूनाइटेड अरब इमीरेट्स, ठीक है, तो यूनाइटेड अरब इमीरेट्स या फिर ओमान में, दोनों जगह हुआ था आपका T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। तो UAE और ओमान दोनों जगह हुआ था। और तिथि जो है आपका जो समय था वो 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक। तो 17 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक आपका ये जो मैच हुआ था, ये आपका टूर्नामेंट पूरा हुआ था। 17 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 14 नवंबर को जो है समाप्त हुआ था। फाइनल मैच आपका दुबई दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। फाइनल मैच जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल मैच हुआ वो आपका किस स्टेडियम में हुआ, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। विजेता आपके ऑस्ट्रेलिया, विजेता कौन बने, तो ऑस्ट्रेलिया बना। 8 विकेट से उन्होंने मैच को जीता था। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे उस समय, तो आपके एरोन फिंच थे, एरोन फिंच। और उप विजेता
उप विजेता कौन था? तो आपका न्यूजीलैंड था। और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे? केन विलियमसन। कुल देश आपके T20 वर्ल्ड कप 2021 में कुल देश कितने लोगों भाग लिया था? तो 16 देशों ने भाग लिया और कुल मैच 45 हुआ। सर्वाधिक रन तो आपका सर्वाधिक रन बाबर आजम ने बनाया। सर्वाधिक रन बाबर आजम ने, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। सर्वाधिक विकेट आपका वानिंदु हरसंगा ने बनाया, जो कि श्रीलंका खिलाड़ी थे। और फाइनल में मैच, दो फाइनल में मैन ऑफ द मैच आपके मिशेल मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बने। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के। तो सर्वाधिक रन बाबर आजम, सर्वाधिक विकेट वानिंदु हरसंगा, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को मिला था। एकमात्र शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के थे। 101 रन बनाया। पहला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 2007 में, और पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 का विजेता भारत, उप विजेता पाकिस्तान। वर्ष 2020 में, इससे एक साल पहले जो है 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ था और उप विजेता भारत था। T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका इसी में, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पढ़ेंगे इसमें। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में क्या है? तो इसका संस्करण है जो आपका पहला संस्करण था, तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये पहला संस्करण था, ठीक है। ये पहली बार इसको आयोजित किया जा रहा था और प्रारंभ होने की तिथि थी 1 अगस्त 2019 से। तो यह प्रारंभ जो है आपका, यह शुरुआत 1 अगस्त 2019 से ही हो गया था। तो आपका जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो शुरुआत है 1 अगस्त 2019 से ही हो गया था। इसका जो चैंपियनशिप का कराने का जो जो मेथड है वो है कि आपको जब से ये शुरुआत होगा तब से आपको जिस देश के बीच आप मैच खेलिएगा वहाँ आपको पॉइंट मिलेगा, और जो टॉप दो के जो पॉइंट टेबल पर होंगे उनके बीच फाइनल होगा, ठीक है। जो टॉप दो के बीच जो आपके टीम होगा आपके टेस्ट रैंकिंग में, वो फाइनल मैच लास्ट में खेलेगा, ठीक है। तो फाइनल मैच आपका ये किसी टूर्नामेंट के साथ नहीं होता, टूर्नामेंट के जैसा नहीं होता। ये आपका द्विपक्षीय सीरीज में जिस टीम का बेहतर प्रदर्शन होगा वो उस प्रकार से उसको टेस्ट रैंकिंग में जो है मिलेगा, रैंक अंक मिलेगा, वो आगे बढ़ते चला जाएगा। और जब उसका रैंक जो है टॉप 1 या 2 में होगा तो वो फिर फाइनल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मैच जो होगा आपका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का 18 से लेकर 23 जून को हुआ 2021 को एजेस बाउल स्टेडियम में। तो आपका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मैच 18 से 23 जून को 2021 को एजेस बाउल स्टेडियम में हुआ, साउथैम्पटन इंग्लैंड में। तो फाइनल मैच 18 जून से लेकर 23 जून तक 2021 को एजेस बाउल स्टेडियम साउथैम्पटन इंग्लैंड में हुआ। कुल टीमें ने जो कुल टीम इसमें भाग लिया उसमें 9 टीम ने भाग लिया, तो कुल टीम इसमें 9 टीम ने भाग लिया था। और आपका जो ICC वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप था जब, उसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। इसमें तो कुल टीम जो थी 9 टीम थी, और इसका फाइनल मैच साउथैम्पटन इंग्लैंड में हुआ, SH बॉल स्टेडियम। स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। तो फाइनल मैच एजेस बॉल स्टेडियम हुआ। फाइनल मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कहाँ हुआ था? तो एजेस बॉल स्टेडियम हुआ था, ठीक है। बॉल बॉल से बॉल हो गया, तो बॉल आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कहाँ होगा? तो बॉल स्टेडियम में, साउथैम्पटन इंग्लैंड में था, ठीक है। और इसमें जो विजेता बनी वह बनी न्यूजीलैंड। तो आपका जो विजेता टीम बनी वह बनी न्यूजीलैंड। 8 विकेट से इन्होंने मैच को जीत लिया। और उप विजेता था आपके भारत के कप्तान विराट कोहली, तो उप विजेता भारत बना। और उस समय कप्तान थे विराट कोहली। और सर्वाधिक रन जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाया किसने? तो मार्नस लाबुसेन ने बनाया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। तो सर्वाधिक रन मार्नस लाबुसेन ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। तो 2 साल में लगभग 2019 से लेके 2021 तक सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो मार्नस लाबुसेन ने बनाया था, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट रविचंद्रन अश्विन, जो कि आपके भारत के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट रविचंद्रन अश्विन। सर्वाधिक छक्का बेन स्टोक्स इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन। तो आपका जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे ICC टेस्ट चैंपियनशिप के? तो काइल जेमिसन। और प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन। और पुरस्कार राशि जो लगभग है 12 करोड़ विजेता को और 6 करोड़ उप विजेता को। पुरस्कार
पुरस्कार राशि 12 करोड़ विजेता को एवं 6 करोड़ उप विजेता को मिला है। ठीक है, तो आपका जो है T20 वर्ल्ड कप 2021, सॉरी एक मिनट, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का ये पहला संस्करण हुआ। ठीक है, कहाँ, कब से कब तक, तो 18 जून से लेकर 23 जून को फाइनल मैच हुआ। ठीक है, तो आपका जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसका फाइनल मैच हुआ आपका 18 जून से लेकर 23 जून के बीच में, सिर्फ एक टेस्ट खेला गया भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, एजेस बॉल स्टेडियम में साउथैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया। और इसका प्रारंभ जो इसका स्टार्टिंग था, स्टार्ट जो हो गया था आपका टेस्ट चैंपियनशिप, वो आपका 1 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो गया था, 1 अगस्त 2019 से इसका स्टार्ट हो गया था। और इसमें कुल टीमें थे 9 टीम और विजेता थी न्यूजीलैंड, 8 विकेट से इन्होंने जीता। और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे केन विलियमसन, उप विजेता भारत कप्तान विराट कोहली, सर्वाधिक रन मार्नस लाबुसेन ऑस्ट्रेलिया, सर्वाधिक विकेट रविचंद्रन अश्विन, सर्वाधिक छक्का बेन स्टोक इंग्लैंड, प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन, प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन, पुरस्कार राशि लगभग 12 करोड़। तो पुरस्कार राशि लगभग 12 करोड़ और विजेता आपके जो है विजेता 6 करोड़। ठीक है, तो आपके पुरस्कार राशि लगभग 12 करोड़ और वो जो है उप विजेता को 6 करोड़ रुपया मिला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, तो इस प्रकार आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।